अब की बार पश्चिम बंगाल में यूपी वाला प्रचार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सियासी नुक्ता विद मुक्ता। 2017 में यूपी के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने चुनाव से जुड़ी कई जिम्मेदारियां दी, जिनमें वो हमेशा खरे उतरे। 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी पर बीजेपी आलाकमान के साथ बंगाल विजय की जिम्मेदारी है। सीएम योगी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। उनके आक्रामक प्रचार से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी तिलमिलाई हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न का मुद्दा चुनाव में गरमा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस मुद्दे को अपनी रैलियों में उठा रहे हैं, लेकिन जब यूपी के सीएम योगी बंगाल में प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने इसे यूपी की बहुबेटियों से जोड़ दिया। टीएमसी पर अब तक का सबसे जोरदार हमला बोला। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने जितने बड़े माफिया थे, सबसे बड़े जितने बड़े बड़े माफिया थे, वे माफिया या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर उनको जहन्नुम में भेज दिया गया है। उनके लिए अब धरती में जगह नहीं है, वे लोग जा चुके हैं। हम लोगों ने बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या में ही रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा में भी भेजने का काम कर दिया है। अब की बार 400 पार की हुंकार भरते ही बीजेपी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल का टारगेट तय कर लिया था। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 18 सीटें जीती थी, तो इस चुनाव में बीजेपी बंगाल में कम से कम 30 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अमित शाह तो उन सीटों के नाम भी बता रहे हैं जहां जहां बीजेपी जीतने वाली है। 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी के कई किले ढहा दिए थे। मालदा में अब्दुल गनी खान चौधरी के परिवार का कब्जा खत्म कर दिया था। मालदा उत्तर सीट से बीजेपी के टिकट पर खगेन मुर्मू ने जीत हासिल की थी, जबकि मालदा दक्षिण सीट मामूली अंतर से बीजेपी हार गई थी। इन दोनों सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। यहां बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला भेदने की पूरी जुगत में है और इसीलिए अपने फायर ब्रांड नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुन चुन कर ऐसी सीटों पर प्रचार के लिए भेजा जा रहा है जहां हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आसनसोल में बीजेपी प्रत्याशी एसएस अहलूवालिया के समर्थन में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जुबानी हमले किए। सीएम योगी ने बंगाल में होने वाले दंगों के बारे में बात की। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और टीएमसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों बंगाल को लूटने के लिए एक हैं। बंगाल आज लहूलुहान है। आज से 7 साल पहले यूपी की भी यही स्थिति थी। आज यूपी में आप देखते होंगे कि पिछले 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, यूपी में आज बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। आपने देखा होगा रामनवमी का आयोजन, भगवान राम का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर हजारों शोभा यात्राएं निकलती हैं, एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। मुझे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करते हुए 7 वर्ष हो गए हैं, एक भी बार दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में एक भी बार दंगा नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी बार कहीं भी कोई न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब चंगा है, यूपी में कुछ भी नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, यहां रामनवमी के अवसर पे दंगे हुए, यहां बम चले हैं, दंगे हुए हैं, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई है, और कोई जय श्री राम बोलता है तो उसको यहाँ की सरकार गिरफ्तार करके बंद कर देती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में सीएम योगी न सिर्फ यूपी के सुधरे हुए लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं, बल्कि बंगाल के हिंदू गौरव और हिंदू अस्मिता के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में योगी कह रहे हैं कि जिस बंगाल से स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का संदेश दिया था,
वो बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर बंगाल में राम की उपासना होती है तो बंगाल से चली दुर्गा उपासना का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों स्थानों पर होता है, पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, जैसे पंडाल लगाए ऐसे पंडाल दुर्गा उपासना के भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगते हैं, लेकिन कहीं कोई दंगा नहीं हो सकता, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लग सकता। और मालूम है कि अगर जैसे रामनवमी के अवसर पर बंगाल के अंदर दंगा करने का प्रयास हुआ था, दंगा हुआ था, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई थी, बहनों और भाइयों, अगर ये दुस्साहस किसी ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो हम उसको उल्टा टांग करके उसकी पूरी संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिए होते। पश्चिम बंगाल में योगी के आक्रामक भाषणों का रैलियों में खूब असर दिख रहा है। अगर बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसी बीजेपी नेता की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है तो वो है सीएम योगी। बंगाल की रैलियों में जब वो कहते हैं कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में दंगाइयों का नंगा नाच होता है, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो उन्हें उल्टा लटका कर वो सबक सिखाते जिससे उनकी 7 पीढ़ियां याद रखती। जो कभी कभी पहले 2017 के पहले बीजेपी के आने के पहले यूपी के अंदर जो पूरी सत्ता को अपने गिरफ्त में रखते थे, जिनके सामने सारी व्यवस्थाएं फेल थी, आज आप देखते होंगे कैसे उनके गले में तख्ती लटकती है और कहते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो बस, अब हम फेरी लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, अब दंगा नहीं करेंगे, किसी गरीब को नहीं लूटेंगे, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली नहीं करेंगे और ठेके पट्टे में न गौ कसी का काम करेंगे। और नहीं, उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि गौ कसी भी नहीं करेंगे और कहीं बालू और रेता का भी कहीं जबरन ठेका भी नहीं लेंगे। पश्चिम बंगाल में योगी की आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां हो चुकी हैं और आने वाले चरण में भी उनकी कई रैलियां लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में योगी का यूपी मॉडल कितना दम दिखाता है, इसका पता 4 जून को चलेगा। अभी तीसरे चरण में 7 मई को बंगाल की मालदा नॉर्थ, मालदा साउथ, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर सीट पर चुनाव होंगे। वहीं चौथे चरण में 13 मई को बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, वर्धमान पूर्वा, वर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम में वोटिंग होगी। इन सभी सीटों के विश्लेषण और सीएम योगी की रैलियों के असर के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।